नमस्ते दोस्तों, अनीता जैन रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं अनीता जैन आज लसोड़े का अचार बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लसोड़े का अचार बनाने के लिए मैंने लिए 250 ग्राम लसोड़े। इन्हें धो लिए अच्छी तरह, अब इन्हें उबालेंगे। उबालने के लिए पानी गर्म कर लिया है, पानी में बॉईल आ जाए तभी हमें ये डालने हैं। इन्हें अच्छी तरह डुबो लेंगे, गैस फुल कर देंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे, आधी चम्मच नमक डाल देंगे, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, और मिक्स कर लेंगे। गैस फुल रखेंगे और इन्हें हम उबलने देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं, इस तरह से दबा के देख ले, अच्छी तरह दब रहे हैं तो हमारे लसोड़े सीज गए हैं। अब गैस बंद कर देते हैं और इसका पानी निकाल के लसोड़े को हम ठंडा कर लेंगे। ये पानी निकाल लिया है, अब इसे हम सूखने देंगे, तो एक घंटे पंखे के नीचे रख देंगे। लहसुन को हमने एक घंटे के लिए पंखे के नीचे सुखाया है, इसकी टॉपिंग हटा दी है और गुठली भी निकाल ली है। इस तरह से निकाल लेंगे सभी की। अब इसके लिए मैंने मसाले लिए हैं, 2 चम्मच दाना मेथी, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच राई, 1 चम्मच कलुंजी, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 2 चम्मच नमक, आप नमक अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच लाल मिर्ची लिए और थोड़ी सी हींग। और सबसे पहले हम ये मोटे हैं मसाले हैं, इन्हें हल्का दरदरा पीसेंगे। दाना मेथी, सौंफ और राई, आप राई की जगह सरसों भी ले सकते हैं और राई भी ले सकते हैं। अब इसे हल्का दरदरा पीस लेंगे, जो मैंने पीस लिया है इस तरह से पीस लेंगे। अब हमने एक बाउल लिया है, इसमें लहसुन डाल देंगे और जो मसाले पीसे थे इन्हें डाल देंगे इसमें। कलुंजी, अमचूर पाउडर, नमक और एक गरम मसाला, हल्दी और लाल मिर्ची, जीरा और हींग बाद में डालेंगे, हम गरम तेल करेंगे उस समय उसमें डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसे ढक के रख देंगे 12 से 15 घंटे के लिए, हम इसे ढक के रख देंगे। 15 घंटा हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। ये हमारी दाना मेथी भी अच्छी तरह गल गई है और मसाला भी सभी अच्छी तरह गल गया है। अब इसके लिए हम तेल गरम करेंगे, चाहो तो आप कच्चा तेल भी डाल सकते हो उसमें, लेकिन मैं गरम कर रही हूँ। इसके लिए मैं 250 ml सरसों का तेल ले रही हूँ। अब इसे डाल देंगे और सरसों के तेल को अच्छी तरह गरम होने देंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया है, अब गैस बंद कर देंगे और अब आधा ठंडा होने देंगे। तेल आधा ठंडा हो गया है, अब इसमें हम हींग डाल देंगे। 1/4 चम्मच हींग डाल रहे हैं और 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। अब जीरे को सिकने देंगे। अब तेल को हम अचार में डाल देंगे। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा लहसुन का अचार बना है। अब इसे एक दिन बाद खाने के लिए तैयार हो जाएगा और ये साल भर तक खराब नहीं होगा। जब भी इसे रखे कंटेनर में तो तेल में डुबो के रखे। तो ये हमारा लहसुन का अचार बन के तैयार हो गया है, अब इसे आप भी ट्राई कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।